गुज़िश्ता आदवार में वहाँ नाइंसाफी रवा रखी गई और इंसाफ का कत्लेआम हुआ। नैब ने चुन चुन कर बेगुनाह लोगों पर केसेस बनाए हैं। मेरी हमेशा के लिए दुआ है कि दुश्मन भी कौमी एहतसाब ब्यूरो के अकूबत खाने में कभी ना जाए। वज़ीर आज़म का बाब पाकिस्तान मनसूबे के संग बुनियाद की तकरीब से खताब, कहा हजारों महाजरीन ने बाब पाकिस्तान के मकाम पर क़याम किया था। बाब पाकिस्तान का मनसूबा दुनिया को पाकिस्तान के क़याम की तारीख बताएगा। पंजाब असेंबली के लिए इंतखाबात की तारीख न देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन की तारीख ऐलान करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे, यकीनी बनाया जाए कि आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत से तजावुज न हो। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत का तस्वुर ही महाल है। एक मजबूत, आज़ाद और मोतबर अदालती निज़ाम कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाता है और दस्तूर की हिफाजत करता है। इमरान खान का ट्वीट, लिखा कौम इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की तहसीन करती है और आइन की बालादस्ती निज़ाम में अदल से वाबस्ता उम्मीदें जिंदा करने के लिए अदलिया की पुश्त पर खड़ी है। IMF डील के तहत इकदाम, बिजली के बिलों पर सब्सिडी का खात्मा शुरू। मार्च में मौसूल बिजली बिलों में इजाफे सरचार्ज 3 रुपए 21 पैसे पे यूनिट से 18 रुपए तक होगा। मनसूबे के तहत जून तक बिजली की कीमत पे यूनिट में 23 रुपए 39 पैसे कर दी जाएगी। 2008 में शौकत खानन के $3 मिलियन से सरमायाकारी की और 7 साल के बाद ये रकम अस्पताल को वापस कर दी गई। इमरान खान का एतराफ, कहा शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का मुझे मालूम नहीं। शौकत खानम अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है, अस्पताल का बोर्ड मुझसे पूछकर फैसले नहीं करता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम। शेख रशीद अहमद की मरी मुकदमे में जमानत मंजूर, 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने की भी हिदायत। जमानत मरी के सिविल कोर्ट में मंजूर की गई। पंजाब से कल अदम तंजीमों के 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। एक हफ्ते के दौरान 564 ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान खुदकश जैकेट, धमाका है मवाद, दस्ती बम, डेटोनेटर, असलहा, रिमोट कंट्रोल डिवाइस और हसास मवाद पर मुश्तमिल किताबें बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम TTP और दाइश के मुख्तलिफ ग्रुपों से है।